क्या देश में सूखा पड़ने वाला है? क्या मानसून में कमी किसानों पर कहर बरपाएगी? डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 500 से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में किसानों के लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, साथ ही ये देश की इकोनॉमी को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी। चलिए विस्तार से बताते हैं कि डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट क्या कहती है। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इस बार मानसून के मौसम में एक और कम वक्त में भारी बारिश देखी गई, तो दूसरी ओर बुआई में देरी हुई। मानसून ने कभी कहर बरपाया तो कभी किसानों को पानी के लिए तरसाया। मानसून के जाते जाते बीते अगस्त में जो बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, उसने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीते अगस्त में पिछले 130 सालों में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है और सितंबर में हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। अब डाउन टू अर्थ ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो देश में सूखे की ओर इशारा कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ ने 20 अगस्त से 24 सितंबर 2023 तक के SPI डाटा का विश्लेषण करने पर पाया है कि देश के कुल 718 जिलों में से 500 से ज्यादा जिले वर्तमान में कम बारिश की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन 500 जिलों में हल्के शुष्क से लेकर अत्यधिक शुष्क तक की स्थितियां बन रही है। वहीं विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि सितंबर महीने में सूखे की ऐसी स्थिति फसल की उपज को नुकसान पहुँचा सकती है। यहां आपको बता दें कि डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट SPI सूचकांक पर बेस्ड है। सूखे की निगरानी के लिए भारतीय मौसम विभाग SPI उपकरण का इस्तेमाल करता है, जो सूखे की स्थितियों को दर्शाता है। इसमें नेगेटिव नंबर सूखा और पॉजिटिव नंबर आर्द्र स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का अधिकांश भाग यानी करीब 718 जिलों में करीब 53% जिले हल्के सूखे श्रेणी में आ रहे हैं। लगभग पूरा उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और जम्मू और कश्मीर मध्यम से अत्यंत सूखे वाली श्रेणी में है, जो कि हॉटस्पॉट है। वहीं इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप का बड़ा हिस्सा, पूर्वी तट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक भी यही स्थिति है। आपको बता दें कि SPI सूचकांक सूखे की निगरानी के लिए एक मजबूत संकेतक है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन की माने तो SPI सूचकांक के आंकड़ों की व्याख्या जटिल है। माधवन राजीवन बताते हैं कि SPI श्रेणियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं और बाहरी तौर पर सूखा घोषित करने से पहले मौजूदा जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पूर्व सचिव की जानकारी के अनुसार जमीनी हकीकत को देखते हुए सूखे की स्थिति का सही सही अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में SPI सूचकांक हैरान करने वाले हैं। ये साफ तौर पर सूखे की ओर इशारा करते हैं। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।